Welcome friends, welcome to my YouTube channel Ron Online Solution, and also visit my first wall Gyan Ka Pitara. Friends, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9th क्लास नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको प्रूव करना है x पावर 1 अपॉन a माइनस बी इन की पावर 1 अपॉन a माइनस सी इंटू एक्स पावर 1 अपॉन बी माइनस सी इंटू 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू 1 अपॉन x पावर 1 अपॉन c माइनस ए इंटू c माइनस बी की पावर c माइनस बी इज इक्वल टू 1. तो फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग यूज करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में. सबसे पहले तो x पावर m इंटू n, तो ये हो जाता है x पावर एम एन, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन LHS. आप यह देख सकते हैं a पावर m इंटू n, तो ये हो जाएगा a पावर एम एन, तो ये बन जाएगा x पावर a माइनस बी इंटू a माइनस सी. सिमिलरली ये वापस से a पावर m इंटू n x पावर 1 अपॉन b माइनस सी इंटू b माइनस ए. सिमिलरली x पावर 1 अपॉन c माइनस ए इंटू 1 अपॉन c माइनस बी. फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों नंबर का बेस जो है वो x है. x x x जब पावर जब बेस इक्वल होता है पावर हमेशा क्या हो जाती है, एड हो जाती है. तो ये बन जाएगा x पावर 1 अपॉन a माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस 1 अपॉन b माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन c माइनस ए इंटू सी माइनस बी. अब फ्रेंड, आप यहाँ पर देखिए यहाँ पे सारी टर्म जैसे यहाँ पर a माइनस बी है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपने पास x पावर a माइनस बी इंटू a माइनस सी है प्लस 1 अपॉन b माइनस इंटू बी माइनस. आप देखिए यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर क्या है, b माइनस है, या b माइनस सी, यहाँ पर c माइनस बी, यहाँ पर a माइनस सी, यहाँ पर c माइनस है. तो मैं इन तीनों को सेम बनाता हूँ पावर को. तो मेरे पास सबसे पहले तो क्या करना होगा मुझे, यहाँ पर देखिए x पावर ये है a माइनस बी इंटू a माइनस सी. आप देखिए यहाँ पर b माइनस सी है, तो इसको b माइनस सी रहने दे. यहाँ पर a माइनस बी मुझे बनाना है, तो मैं इसको बना देता हूँ, माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन a माइनस बी एंड b माइनस सी. सिमिलरली यहाँ पर a माइनस सी है, और मुझे इसको बनाना c माइनस a को a माइनस सी, यहाँ पर माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा a माइनस सी एंड, और इसको c माइनस बी बनाना है, इसको भी b माइनस सी बनाना, तो ये भी माइनस कॉमन निकला, फिर से वापस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा b माइनस सी. अब आप देखिए तीनों का में से कॉमन जो एलसीएम आएगा इनका, a माइनस बी, b माइनस सी और a माइनस सी, तो इसका पूरा एलसीएम जो आएगा वो अपने पास आएगा x की पावर में एलसीएम आएगा a माइनस बी, b माइनस सी और a माइनस सी. तो a माइनस बी और a माइनस सी, तो a माइनस ये दोनों टर्म कैंसिल, यहाँ बचेगा b माइनस सी माइनस, यहाँ बचेगा a माइनस बी और b माइनस सी कैंसिल, तो क्या बचेगा a माइनस सी प्लस, यहाँ बचेगा a माइनस सी और b माइनस सी, दोनों टर्म्स कैंसिल, क्या बचेगा a माइनस बी. दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बच रहा है अपने पास, x पावर b माइनस सी माइनस ए प्लस सी प्लस a माइनस बी अपॉन में a माइनस बी, b माइनस सी और a माइनस सी. ये b से b कैंसिल, a से a कैंसिल और c से c कैंसिल. तो x पावर बचा 0 अपॉन a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए. और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, क्योंकि 0 अपॉन 1 तो क्या होगा 0, तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 तो क्या हो जाता है उसका वैल्यू 1, तो आंसर आ जाएगा 1. और ये हमें लेके आना था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. प्लीज फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड कमेंट्स फॉर माय वीडियो, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो बना सकूं. थैंक यू फ्रेंड्स.